लेकिन एक विचार करना कि हम जो कुछ करते हैं उसके बदले में हमें जो कुछ मिलता है, तो होता है कि ओहो कुछ नहीं करा और इतना दे दिया, कुछ नहीं करा और इतना दे दिया। तुम विचार करो, भगत जी महाराज ने जो साधना करी है वो हमारी कल्पना से बाहर की है। जो सहन करा है, अगर हमारे साथ ऐसा हो ना तो हम एक सेकंड भी यहाँ नहीं खड़े रहेंगे। सारे वहाँ मंदिर में समझते थे कि एक बुद्धू है, क्योंकि वो दर्जी था ना, पढ़ा हुआ था नहीं, कुछ नहीं, शेड्यूल क्लास बोला जाता था। हाँ तो हर एक ये लल्लू है क्या, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसको उसकी परवाह भी नहीं थी कि लोग कुछ भी मान लेकर के। यहाँ तक कि जो मानो ये मंदिर बन रहा है तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर आती है ना, वो भी उसको यूं ही समझती थी। लेकिन वो कैसे कि वो लेबर के अंदर भी वो स्वामी जी को देखता था। हमें तो इतना ही अभी कहा गया है ना कि भक्तों के अंदर काका जी को देखो, वो लेबर के अंदर स्वामी जी को देखता था। और वो कहते ना, मतलब कई बार मजदूर नहीं आए हो या कोई ज्यादा जरूरत हो तो मंदिर के सेवक लोग भी लग पड़े, तो वो भी काम में ऐसे चुने की भट्टी में लगते थे। तो ये सब जानते थे कि ये एक बुद्धू है, वो बुद्धू नहीं था, उसको बस एक ही लगन थी कि किस तरह ये गुरु गुणातीत को लूट लूं। वो बोलता भी था, गुरु गुणातीत के लिए देह कुर्बान है, गुरु गुणातीत के लिए देह कुर्बान है, कुछ भी कर लेना पड़े, कुछ भी सहन कर लेना पड़े। वो लेबर लोग भी क्या करती थी कि वो लेने आवे ना कुछ तसले तो उसमें ज्यादा भर के दे देवे, कहला मानो अपने मिलने वाले आवे तो पौना भरे और उस वो आवे तो डेढ़ा भर के दे देवे, के उठा बहुत ज्यादा। वो बेवकूफ नहीं था, सब समझता था, लेकिन वो मन में बोलता था कि कुर्बान है गुरु गुणातीत के लिए, कुर्बान है गुरु गुणातीत के लिए। अपने साथ तो मंदिर के साथीदार अगर ऐसे बर्ताव करेंगे ना, तब भी थोबड़ा लटक जाता है। ऐसा समझते हैं कि हमें ही बेवकूफ समझे हुए हैं,